नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। आज मैं यहाँ तरावड़ी के पास पखाना गांव में मैं आई हूँ, जो मंगलमुखी समुदाय के अंदर कुछ ऐसे बातें सुनने में आ रही हैं। आप सबको मैंने बताना चाहती हूँ क्या मसला है और क्या मामला है। खुद ज्योति बराड़ जी ने समझाएंगे आपको और बताएंगे। हाँ जी ज्योति बराड़ जी, ये क्या हो रही है, ये क्या हुआ था आपके साथ, आप अच्छी तरह पहले से बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय माता दी, वंदे मातरम, जय भारत। मैं ज्योति रानी बराड़ तरावड़ी से, किन्नर समाज से हूँ। पिछले महीने की 12 तारीख को 6 गाड़ी भर के 4 से 5 बजे हमारे घर आते हैं। अच्छा। आने के बाद पहले तो कहा सुनी होती है, कहा सुनी के बाद गुरुजी ने मेरे को गद्दी का, जैसे आप जानते हो हमारे समाज में नॉमिनी बना दिया जाता है, तो मुझे नॉमिनी बना दिया। उनको यह बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने आके बोला, आप जानते हो मैं हिंदू समाज से हूँ, उन्होंने ये कहा कि आप क्या नाम है, इसको ऐसे नहीं बिठा सकते गद्दी पे, इसको मोमिडन बनना पड़ेगा। तो ये कुरीति नहीं है। अच्छा, किन्होंने आपको जबरदस्ती? लता उर्फ गौतम हाजी और संगीता उर्फ अब्दुल रहमान, बबीता उर्फ अब्दुल करीम, चांदनी उर्फ लिल्लू हाजी, सलीम उर्फ कविता उर्फ सलीम हाजी, और नेहरू उर्फ भावना हाजी, और इलियास उर्फ कोयल हाजी, इन सब के पर्चे दर्ज हुए हैं। तो 22 तारीख का ये लोग टाइम लेके गए थे, टाइम लेने के बाद फिर 27 का डिले हो गया, 27 को ये लोग नहीं आए। आने के बाद इन लोगों ने ना उल्टा सीधा क्या क्या जो होता है मेरे साथ आता पाई है, इसकी वीडियो क्लिंक भी मेरे पास है, मैंने पिटीशन फाइल करवाई थी। और कौन कौन मौजूद थे तुम्हारे घर में? मेरे गुरुजी थे, मैं थी और मेरी ये गुरबाई थी, एक ये थी, एक वो काजल थी, हम चार जने थे। वो कम से कम 22-23 लोग थे। अच्छा। उन्होंने पूरी हाथापाई है, हंगामा और धर्मांतरण के लिए जबरदस्ती कुछ चीज थी वो जो खिलाना चाह रहे थे, वो उन कामयाब नहीं हो पाए। तो फिर अब मैं कब तक सहती, आप समझदार हो, ये कुरीतियां जरूरी है मिटानी समाज के अंदर। सही बात, कोई जरूरी नहीं है किसी की जबरदस्ती से आप उसका धर्म। सही है, सही है। तो ये धर्म वही होता है जो हमारे नजरिए में इंसानियत भी है, और अगर हमने हिंदुओं की बच्चा है तो हिंदू ही रहेंगे हम तो जी, है ना। अगर मुसलमान के बच्चे होते तो मुसलमान ही रहो। हमारे राम राम नहीं ली, हाँ हमारा बहिष्कार करते हैं, नहीं दिया उन लोगों। किन्नर समाज के अंदर आप खुद किन्नर हो, ये बताओ, आप मुझे एक बाइट दो कि हम जब बात जाते हैं और जब सम्मेलन होता है या कहीं समागम होता है जहाँ 2-4 हजार किन्नर होते हैं, वहाँ जाकर अगर हम राम राम करते हैं तो हमें कितना की इज्जत मान मिलता है? सही बात, आप बोलो इस बात का जवाब दीजिए। सही बात, बहिष्कार करते हैं, दुत्कारते हैं, मुंह बनाते हैं, हिंदुओं का खाते हैं, हिंदुओं का खाते हैं, हिंदुओं से पैसे ऐंठते हैं, 21,000, 31,000, 51,000 लाख रुपए लूंगी, सोना लूंगी, चांदी लूंगी, कंगन लूंगी, अंगूठी लूंगी, उसके बाद उस पैसे को इकट्ठा करके पाकिस्तान फंडिंग करी जाती है, पाकिस्तान जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी कितने लाख मुसलमान हैं, वो आए दिन तो पाकिस्तान नहीं जाते, ये क्यों जाते हैं, इनका क्या है पाकिस्तान के अंदर, इनके पासपोर्टों के ऊपर पाकिस्तान की मोहरें क्या कर रही है, सारे सबूत मैंने दे चुकी हूँ। अब इनकी आंखों में दुश्मन बन चुकी हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे सनातन धर्म के मेरे भाई हैं, जब भी लड़ाई में साथ खड़े थे, आज भी आपके, आज आपके सामने है, मेरी पूरी जान को खतरा है, मुझे हर वक्त घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है, सिक्योरिटी के लिए मैंने गार्ड रखा हुआ, अभी क्या करूं, फिर मजबूर हूं। और आप जानते हो इस, अब मुझे बोलते हैं मगरमच्छ पानी में रह के मगरमच्छों से बैर ले लिया, सही ले लिया तो ले लिया, अब तो मैं पूरा शहर मेरे जजमान मेरे साथ हैं, मुझे जजमान ने रोटी देनी है। अगर कोई आपके साथ बाहर वाला मुस्लिम आकर के आपके यहाँ झगड़ा करता हो, हम होंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को विदित है, नमस्कार दोस्तों। आज हमने यही के तरावड़ी के अंदर साध्वी माँ जी है, हम उनसे भी पूछेंगे कि आज के मामले के बारे में। जय श्री राम। अपने तरावड़ी शहर में यहाँ रियल पैलेस में ज्योति किन्नर बराड़ जी को राम नाम की चादर ओढ़ाई है, और इनको जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा पूरा तरावड़ी शहर, यहाँ का बच्चा बच्चा इनके धर्म की रक्षा करेगा और इनकी जान की भी रक्षा करेगा। हमारा तरावड़ी शहर इतना कमजोर नहीं है,
यहाँ पर बहुत ही हिंदू धर्म के कट्टर मानने वाले हैं, मेरे विश्व हिंदू परिषद के यहाँ योद्धा हैं, मेरे बजरंग दल के यहाँ योद्धा हैं, यहाँ मातृशक्ति है। और हमारे शहर के पूर्व वीरेंद्र बंसल जी पूर्व प्रधान, अनाज मंडी के ये प्रधान जी हैं, और सभी गणमान्य व्यक्ति और अनेक मेरी युवा सैनी, युवा वाहिनी और करणी सेना, अनेक हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति सब हम ज्योति किन्नर बराड़ जी के साथ हैं। और हमेशा जितना भी हमारे शहर में रहती हैं, इनकी जान जब तक है तब तक इनकी प्राणों की हम रक्षा करेंगे। हमें किसी सिक्योरिटी की भी आवश्यकता नहीं है, हमें किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, हमारे सारे युवा योद्धा इसकी रक्षा करेंगे, प्राणपण रक्षा करेंगे। हम स्वयं अपनी रक्षा करना जानते हैं क्योंकि हम कट्टर हिंदू हैं। अपना भगवान ने गीता में कहा है, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो वयावह। सनातन जो है वो हमेशा से है, सदा रहा है, सनातन ही सत्य है, सेकुलर कुछ भी नहीं है। सेकुलर का बायकॉट करेंगे, आज के बाद ये सभी के घरों में मंगल गीत गाएंगी, श्री राम नाम के गीत गाएंगी, पूरे अपने करनाल क्षेत्र में भी हम जा जाकर इन किन्नरों का साथ देंगे और मंगल गीत गाएंगे और इनकी रक्षा करेंगे। कोई भी मुस्लिम समुदाय जबरदस्ती इन पर हिंसात्मक यदि रवैया अपनाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, मेरा बजरंग दल उसको छोड़ेगा नहीं, मेरा विश्व हिंदू परिषद उसको छोड़ेगा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का, अधर्म का दुनिया में, विश्व का गाय माता की, हिंदू धर्म का प्रचार है, हिंदू धर्म का प्रचार। ओम ले लो कपूर पाए को, अरे इधर आओ, इधर आओ, विश्व और जय श्री राम के नारे से इस समय उसके कान में कोई मंत्र भूको। जय श्री राम के नारे से जो है कि जोर से महफूज रहा है, हिंदू का जो चोला पहनाया जा रहा है, 36 प्रति लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारी तरफ से जी हिंदू समाज की हमारी जो बहन कद्दी में सुन हुई है हमारे, और आज के बाद त्रावड़ी में सिर्फ हिंदू भाई बहन ही मांगेगा, हम किसी मुसलमान को यहाँ घुसने नहीं देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज त्रावड़ी वासियों की मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि इस लायक मुझे समझा, नगर वासियों का बहुत कनेक्ट करो शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे आज सनातन रंग के अंदर पूरी तरह रंग दिया और वो मंत्र दिया है तो पहले मेरे मंत्र का जाप सारी उम्र मुझे स्वर्ग लोक तक का आगाज करवाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये विनती करती हूँ त्रावड़ी के अंदर और त्रावड़ी के आसपास करनाल जिले के अंदर हिंदू बच्चा ही मांगेगा, और इन जितने करनाल के अंदर 6 डेरे हैं, सदर बाजार, चार चमन, घरोंडा, जुंडला, नीसंग, शिव कॉलोनी, इनको तो मैं बंद करवा के ही मानूंगी। ये दो ही वक्त चादर पड़ती है, या तो सन्यासी के जीवन में आज और मरने के बाद फिर मरने उपरांत पड़ती है। आते बाजे आ जा विराजे कांडे
जय श्री राम।
यहाँ जो भी जो सभांगण में जो तरावड़ी के अंदर जो किन्नर के साथ जो धर्मांतरण हुआ है, जो घर वापस लेके आए हैं हिंदू समाज में, उसको लेके यहाँ एक सभांगण हुआ था। तो इसी के अंदर तरावड़ी के जो चेयरमैन सार है वीरेंद्र बंसल जी सार है, मैं उनके साथ पूछना चाहती हूँ कि सर क्या मामला है, क्या मसला है? ये जी कुछ किन्नर आए थे करनाल से और वो इनको धर्मांतर धर्म बदलने के लिए कह रहे थे और धक्का सही करी उन्होंने, ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर वो कोई ऐसे धर्म बदलवाने के लिए आएगा तो हम उसे यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। हम 24 घंटे इनकी जो ज्योति मंगल जी, हमने ज्योति बराड़ जी जो आज गद्दी पर उठाई है, इनके साथ हैं। कोई भी जिस टाइम पर आवाज़ मारेगा हम इनको खड़े मिलेंगे। और मैं अब काजल मंगल जी मुखी जी जो हमारे चंडीगढ़ से आए हैं, और मैं अपनी देवी जी का भी यहाँ आने पर सबका स्वागत करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय। भगवान स्वयं इस धरा पर धर्म की रक्षा करने के लिए पधारते हैं तो इस धरा पे ही धर्म की रक्षा की जाती है। परमात्मा ने हम सब मनुष्यों को इस धरा पर धर्म की रक्षा करने के लिए भेजा है। हम सब लोग प्राणपण धर्म की रक्षा करेंगे। और आज त्रावड़ी शहर में जो ज्योति किन्नर बराड़ जी के साथ हो रहा है, किसी के साथ भी होगा, कि प्रत्येक बच्चे बच्चे की रक्षा की जाएगी। हमारी अनाज मंडी के चेयरमैन साहब हमारे वीरेंद्र बंसल जी हमारे साथ हैं और मेरा आश्रम भी यहाँ त्रावड़ी में है। मैं भी धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण अपनी जान दे सकती हूँ। धर्म की रक्षा के लिए साधु जो है ये इस भेष को धारण करता है।